दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद भगवंत मान को अब सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। और उसके पहले देखिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, साथ में राघव चड्ढा भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रचंड जीत के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी रोड शो करेगी। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब में रोड शो करेंगे और उन तमाम मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। पंजाब में एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया सभी विपक्षी पार्टियों का पंजाब में आम आदमी पार्टी ने। और इस प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और तमाम जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं पंजाब। राघव चड्ढा को देख रहे हैं आप, राघव दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के साथ और राघव चड्ढा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवंत मान जो कि पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ में मौजूद हैं और उन तमाम मतदाताओं का धन्यवाद आज करेंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत पंजाब में दिलाया है। तो रोड शो के जरिए उन तमाम मतदाताओं से उन तमाम क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर जो तमाम मतदाता हैं पंजाब के उनको धन्यवाद किया जाएगा। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद है। तो मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए रोड शो अरविंद केजरीवाल, उनके साथ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल है। पंजाब से ये तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह के गांव में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। भगवंत मान ने वहीं पर जो उनका शपथ ग्रहण समारोह है उसको रखा है। और देखिए अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, साथ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में भगवंत मान पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज रोड शो करेंगे पंजाब में और उन तमाम मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है पंजाब। सीधी तस्वीर देख रहे हैं आप अमृतसर से, जहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आज रोड शो करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन तमाम मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई है पंजाब में। और साथ में पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। तस्वीरें अमृतसर से सीधा देख रहे हैं आप, जहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके साथ में भगवंत मान भी मौजूद हैं। तो अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में रोड शो करेंगे और रोड शो के जरिए वो तमाम मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के मतदाताओं ने दिल खोलकर वोट दिया है आम आदमी पार्टी को, उसके लिए अरविंद केजरीवाल उन तमाम मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो उनका काफिला निकल चुका है, तस्वीरें सीधा अमृतसर से लाइव देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद है, साथ में पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद है। तो प्रचंड जीत के बाद मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए पंजाब पहुंचे हुए हैं दिल्ली के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
और आपको बता दें कि 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत मिला है आम आदमी पार्टी को, बाकी सभी विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छी फाइट दे सकती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उसके बाद जो समीकरण सामने आया उसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी को जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें वहां पर हासिल नहीं हो सकी। हालांकि इससे पहले पंजाब में मुख्यमंत्री को बदला गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां से हटाए गए और चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया। और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना था कि ये एक अच्छा मूव साबित हो सकता है पंजाब में कांग्रेस के लिए, लेकिन मतदाताओं ने अपना जो मत दिया वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बावजूद भी कांग्रेस को पंजाब में बहुत ज्यादा कहा जाए तो उसका लाभ नहीं मिला। तो पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तमाम चुनौतियां मिलने के बाद भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले राज्यसभा सदस्य बने, उससे पहले हास्य कलाकार थे, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ गए पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमाम तरह के आरोप भी उन पर लगाए गए, तमाम तरह के उनको लेकर कटाक्ष भी किए गए, लेकिन उन सबको दरकिनार कर पंजाब में अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भगवंत मान। और हास्य कलाकार के बाद राज्यसभा सदस्य और लगातार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए उन्होंने मेहनत की उसका नतीजा पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिला। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इन तमाम नेताओं ने, राघव चड्ढा, ये जो तमाम नेता हैं इन्होंने लगातार पंजाब में काफ़ी मेहनत की जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 92 सीटें हासिल की है। आपको बता दें कि कुल 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें अकेले आम आदमी पार्टी ने जीती है पंजाब में। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुंचे हुए हैं और इसकी वजह यह है कि वो तमाम जो मतदाता हैं उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए हैं। काफिला आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, साथ में उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं और पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, 117 सीटों में 92 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी। तमाम चुनौतियां भी हैं आम आदमी पार्टी के सामने। कहा जा रहा था जिस तरह से ये एक सीमावर्ती राज्य है पंजाब,